हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे अरबी की पत्ती की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी डिटेल्ड रेसिपी। अरबी की पत्ती की सब्जी के मसाले के लिए मैंने यहाँ पे लहसुन, अदरक, गोलकी, जीरा और लाल सूखी मिर्च लिया है। आप चाहे तो इन मसालों को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बेसन का घोल तैयार करूँगी अरबी के पत्ते में लगाने के लिए। बेसन के घोल में मैं यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक ले रही हूँ, एक चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच मसाले जो हमने पहले पीसे थे, इसे अच्छे से मिला ले पानी डाल के। इसका बहुत ज़्यादा रनी पेस्ट नहीं बनाना है, ऐसा इतना थिक बनाना है ताकि वो पत्ते में अच्छे से लग जाए और वो गिरे नहीं। अरबी के पत्तों को यूज़ करने से पहले उसे अच्छे से धो लें और इसे इस तरह से फैला दें। बेसन को इस तरह से लगाना है, बेसन के घोल को अच्छे से फैला के। अगर आपके पास छोटे बड़े दोनों पत्ते हैं तो सबसे पहले बड़े यूज़ करें ताकि वो अच्छे से कवर हो जाए। अब इसी तरह हम इसके 4 से 5 लेयर बना लेंगे। आप जितना मोटा रखना चाहते हैं आप उतना लेयर बना सकते हैं, और अगर आपको इसके छोटे पीसेस बनाने हैं तो आप इसमें कम लेयर करें। इसी तरह हम इसके सारे लेयर्स तैयार कर लेंगे। मैंने इसके अब सारे लेयर्स बना लिए हैं। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। इसे इस तरह से फोल्ड करना है, पहले नीचे से और ऊपर से ताकि अच्छे से लॉक हो जाए, और फिर किनारे से। फिर इसे इस तरह रोल कर देना है और धागे से बांध देना है। इसे इस तरह से बांधना है। मेक श्योर कि नीचे से भी इसे इस तरह बांध दे ताकि वो उबलते समय खुले नहीं और अच्छे से बंधा रहे। अभी अच्छे से बंधा चुका है। मैंने यहाँ पे 3 बनाए हैं 4 to 5 लेयर्स के। अब इसे मैं उबलने के लिए 10 टू 15 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी। अब ये 10 टू 15 मिनट्स बाद अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसे अच्छे से निकाल लिए ताकि ये टूटे नहीं। अगर टूटेगा तो भी कोई टेंशन नहीं है। इसे इस तरह खोल दे इसका धागा। इसे अच्छे से धागे से आज़ाद करने के बाद इसे इस तरह से काटना है। आप चाहे तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसे पतला या मोटा काट सकते हैं, लेकिन फ्राई करने पे और फिर ये उबलेगा भी सब्जी में तो ये टूट सकता है, इसलिए मेक श्योर कि आप इसे थोड़ा हल्का मोटा काटिए। मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है इसे शैलो फ्राई करने के लिए। इसे रेड और क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। अब ये एक साइड से फ्राई हो चुका है, पलट देंगे फिर इसे भी होने देंगे फ्राई। अभी अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट पे। फॉर सम रीज़न ये पैटर्न मेरे को रोज़ का याद दिला रहा है, बट एनीवेज अब सारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब सब्जी के मसाले की तैयारी करेंगे। मैंने यहाँ कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है जिसमें मैं सूखा लाल मिर्च, तेज़पत्ता और 1/2 चम्मच जीरा का फ़ोरन डाल रही हूँ। इसे 10 to 20 सेकेंड्स तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। उसके बाद इसमें प्याज डालने हैं। मैंने यहाँ पे एक बड़ा प्याज लिया है, आप चाहे तो प्याज की क्वांटिटी को भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे भी कम से कम फ्राई करना है 3 to 4 मिनट्स के लिए, जब तक ये अच्छे से लाल नहीं हो जाता। जब तक ये अच्छे से फ्राई हो रहा है तब तक हम अपने मसाले में और भी चीज़ें डाल लेंगे। सबसे पहले 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर, इसे अच्छे से मिला लें। अब प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें मसाले डाल देंगे और कटोरी में बचे हुए मसाले में पानी डाल के इसमें डाल देंगे ताकि इसे भूनने में आसानी हो। इसे 2 मिनट तक भूंजे। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करें
इसे तब तक फ्राई करना है जब तक मसाला का पानी थोड़ा सूख नहीं जाता और मसाला तेल नहीं छोड़ देता। तब तक हम अपनी इमली की तैयारी कर लेंगे। इमली मैं यहाँ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अरबी के पत्ते गले में बहुत खुजली करते हैं, तो उसे हटाने के लिए मैं यहाँ पे इमली डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे ज़्यादा इमली नहीं लिया है, थोड़ा सा लिया है। उसे पानी में इस तरह भिगो देना है और उसके बाद डालने से पहले इसे अच्छे से मैश कर लेना है और उसका सारा इमली का रस निकाल लेना है। अगर सब्जी बना चुके हैं और इसे टेस्ट कर चुके हैं फिर भी आपके गर्दन में खुजली हो रही है तो आप इसमें और इमली डाल सकते हैं। अब मसाले भी अच्छे से भुंजा चुके हैं, अब हम इसमें इमली का रस डालेंगे और उसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूंजेंगे। अब अरबी के पत्ते की सब्जी के मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आप उसमें अब पानी डाल सकते हैं। आपको जितना ग्रेवी में थिकनेस रखना है आप उसके हिसाब से पानी डालें। फिर इसे ढक दे पानी डालने के बाद, और जब ये अच्छे से उबल जाए तो उसमें हम सारे भुने हुए अरबी के पत्ते डाल देंगे। अभी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसमें सारे अरबी के भुने हुए पत्ते डाल देंगे। अब इसे अच्छे से उबलने देंगे 5 to 10 मिनट्स के लिए। अब अरबी के पत्ते की सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है 5 to 10 मिनट्स बाद। मेक श्योर कि आप इसमें कोई खट्टा चीज़ ज़रूर डालें। अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं क्योंकि ये गले में बहुत खुजली करता है, तो उसे हटाने के लिए इमली बहुत ज़रूरी है। सो ये थी अरबी के पत्ते की सब्जी की रेसिपी। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा और मेक श्योर कि इमली ज़रूर डालिएगा, तो ये आपके गर्दन में खुजली नहीं करेगा। और अगर आपको ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू ट्राई दिस। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलिएगा। बाय।